दोस्तों और मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं छठी मैया की कथा। छठी मैया की कथा हिंदू धर्म की एक पवित्र और महत्वपूर्ण कथा है, जो सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की आराधना से जुड़ी है। इस व्रत को विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठी मैया की कहानी। बहुत समय पहले राजा प्रियमवद नाम के एक राजा ने राज्य किया। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मृत पैदा हुआ। राजा और रानी बहुत दुखी हो गए। तभी एक दिन राजा ने शोकग्रस्त होकर आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन जैसे ही वे प्राण त्यागने वाले थे, उनके सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वो तेजस्विनी देवी स्वयं देवी षष्ठी थी, जिन्हें छठी मैया के नाम से पूजा जाता है। छठी मैया ने राजा से कहा, राजन, मैं षष्ठी देवी हूं। मैं सभी जीवों की रक्षक हूं और बच्चों की रक्षा करती हूं। अगर आप मेरी पूजा विधि पूर्वक करेंगे तो आपको जीवित और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक छठी मैया का व्रत किया। उनकी कृपा से राजा को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठी मैया की पूजा का प्रचलन हुआ। अब जाने छठ व्रत का महत्व। छठ व्रत में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। ये व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, उनकी रक्षा और समृद्धि के लिए किया जाता है। ये व्रत निष्ठा, कठिन तपस्या और पवित्रता का प्रतीक है। अब जाने छठ व्रत की विधि। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। एक, पहला दिन नहाए खाए व्रत करने वाले लोग स्नान करके शुद्ध भोजन करते हैं। दो, दूसरा दिन लोहंडा और खरना व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ और चावल की खीर बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तीन, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य व्रती डूबते सूर्य को जल और दूध अर्पित करते हैं। चार, चौथा दिन उषा अर्घ्य उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जाने छठ व्रत का संदेश। ये व्रत हमें प्रकृति, सूर्य, जल और पर्यावरण के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना सिखाता है। साथ ही ये त्याग, भक्ति और संयम का प्रतीक है। छठी मैया की कृपा से सभी व्रतधारी सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।